अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कुछ अपडेट्स आई हैं। इसके अलावा हम स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से बात करेंगे कि उस अजलास में क्या फ़ैसला किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने PMC को ये अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर उन्होंने स्टूडेंट्स की शिकायत को रिजोल्व ना किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMC को ये कह दिया है कि वो पेपर को रिकंडक्ट करने का जो आर्डर है वो जारी कर देगी। तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि कायमा कमेटी सेहत का कुछ दिन पहले इजलास हुआ था, कायमा कमेटी ने PMC की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने दोबारा से एक अजलास बुलाया जिसकी सदारत खालिद मखजी साहब ने की थी। इस अजलास में PMC के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी साहब को भी इनवाइट किया गया था। PMC के जो प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल कमेटी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकी और नेशनल कमेटी के मेंबरान ने ये आर्डर जारी कर दिया है कि वो PMC का जो MD कैट टेस्ट था उसको कैंसिल करे या बच्चा को जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको 50% करे। अगर 50% पासिंग क्राइटेरिया हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेडिकल और डेंटल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि 12 जनवरी को भी सिंध हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दे दिए थे कि अगर PMC के अगेंस्ट फैसला आ जाता है तो जो एडमिशन प्रोसेस हो रहे हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और यही कहना है स्टैंडिंग कमेटी का कि PMC के अगेंस्ट जो भी फैसले आएंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए होने वाले जो एडमिशन्स हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को कुछ दिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि PMC के अगेंस्ट फैसले आते हैं या नहीं। अगर तो अगेंस्ट फैसले आ जाते हैं तो एडमिशन प्रोसेस रुकने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान से MD कार्ड का जो टेस्ट लिया गया है उसमें से 30+ MCQ जो थे आउट ऑफ सिलेबस थे। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो MD कार्ड का रिकंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको 50% किए जाने के चांसेस हैं। तो अगर तो 50% पासिंग क्राइटेरिया कर दिया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर है वो ज़ाया होने से बच सकता है। MD कैट टेस्ट के हवाले से ये लेटेस्ट अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।